हेलो दोस्तों, फॉरेन की दुनिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कोमल और मैं रहती हूँ जर्मनी में और बनाती हूँ इंटरेस्टिंग वीडियोस अराउंड बहुत सारे टॉपिक स्पेशली इन जर्मनी एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही स्टोर लेके जा रही हूँ जहाँ पे आपको रोज लगने वाली जो चीजें हैं वो बड़ी ही रीजनेबल प्राइस में मिलेंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स जर्मनी आ रहे हैं अपने एजुकेशन के लिए और बहुत सारे लोग मुझे हमेशा डीएम में पूछते हैं कि ऐसी कौन सी शॉप है जहाँ पे आपको सारी रेगुलर जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें चाहिए होती है वो रीजनेबल प्राइस में कहाँ मिलेगी। तो ये है वो शॉप और मैं आपको पूरा टूर देने वाली हूँ और बताने वाली हूँ कि इसकी प्राइजेस भी क्या है, तो आपको सारी डिटेल्स बता लगेगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अभी इतना अंधेरा हुआ है और आपको लग रहा होगा कि इतनी रात में मैं कहाँ निकली हूँ शॉपिंग करने के लिए, तो एक्चुअली बहुत ज्यादा लेट नहीं हुआ है, अभी तो बस 5:30 हो गए हैं। बट वही है, नवंबर मंथ जब से शुरू हो जाता है तब इतना जल्दी अंधेरा हो जाता है यहाँ पे। 5:30 बजे ही ऐसे लगता है कि ऑलमोस्ट 8:30-9 बज गए हैं और ये ऐसा माहौल रहता है मार्च तक। तो विंटर्स तो यहाँ पे ऐसे ही होते हैं, बहुत शांत माहौल होता है, प्लस ठंड भी होती है तो लोग जनरली घर से बाहर निकलते नहीं है और अंधेरा भी जल्दी हो जाता है। वैसे कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, जिस जगह पे अभी हम जाने वाले हैं, जिस स्टोर पे हम जाने वाले हैं, उसका नाम है वूलवर्थ। तो एक्चुअली इस शॉप में आपको सारी चीजें मिल जाती है। एक्चुअली मुझे ये पता ही नहीं था कि ऐसी कोई दुकान एग्जिस्ट करती है यहाँ पे जहाँ पे हमें रीजनेबल प्राइस में सारा सामान मिल जाएगा, क्योंकि मैं जब इनिशियली यहाँ पे नहीं आई थी तब तो मैं बड़े जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स है वहां पे जाके बड़ी महंगी महंगी चीजें ले आई थी। बट ये है, जब से वूलवर्थ स्टोर का मुझे पता लगा तब तो बहुत सारी छोटी मोटी चीजें जो होती है घर की वो आसानी से यहाँ पे मिल जाती है। और अब मैं पहुंच चुकी हूँ वूलवर्थ स्टोर के बाहर। जर्मनी में आपको बहुत सारी सिटीज में इनके आउटलेट दिख जाएंगे। एक्चुअली मैं जब नई थी मुझे लगता था वूलवर्थ स्टोर में एक्चुअली वुलन की चीजें मिलती है या कुछ विंटर का सामान मिलता है, बट ऐसी बात नहीं है। मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ कि क्या क्या सामान मिलता है। जर्मनी फेमस है अपनी कटलरी के लिए। अगर आप हाई एंड स्टोर्स में जाओगे, बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में, तो आप नोटिस करोगे कि वहां पे जो कुकवेयर मिलता है ये अच्छे ब्रांड्स का, जैसे WMF, स्वाइलिंग, फिसलर, इनका जो सारा सामान है ऑलमोस्ट 50 यूरो से भी ज्यादा होता है। आई रिमेम्बर मैं ऐसी एक बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर से मैंने एक छुरी ली थी WMF ब्रांड की, जो ऑलमोस्ट मुझे 60-70 यूरोज में पड़ी थी। बट आपको ये लोकल सारा सामान जो एवरीडे यूज के लिए लगता है, जैसे छुरी, सीजर और वगैरह, ये सब कुछ ये अगर चाहिए होगा तो 1 यूरो में आपको बड़ा ही आसानी से यहाँ पे सारी छुरी वगैरह भी मिल जाएगी जो 1 यूरो की है। चमचे वगैरह भी है, वो भी आपको यहाँ पे 1 यूरो में मिल रहे हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे कद्दूकस करने के लिए जो है ये भी आपको 2 यूरो में मिल जाएगा। यहाँ पे ये है गार्लिक ग्रेट करने के लिए, ये ऐसे आ जाता है जहाँ से इसके अंदर आप गार्लिक डालते हो और वो छोटा होके इसमें गार्लिक आप ग्रेट कर सकते हो। ये है मैशर, तो ये अपना आलू वगैरह मैश करने के लिए ये भी एक सही ऑप्शन है, 6 यूरो में है। बट हाँ, ये सारी छोटी चीजें आराम से मिल जाती है। प्लस ये स्पून वगैरह जो है कुकिंग के लिए जो सारा सामान लगता है ये भी आपको ये सारा यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। स्टोर का सारा कुकवेयर सेक्शन, तो यहाँ पे आपको पॉट्स, पैन्स, ये सारी चीजें आराम से मिल जाएगी, वो भी रीजनेबल प्राइस में। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से ब्रांड का सामान ले रहे हो। जैसे ये जो छोटा पैन है ये ऑलमोस्ट 8 यूरो का मिल रहा है, ये पैन जो आप सामने देख रहे हो ये 15 यूरो का है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। कढ़ाई आप एक्सपेक्ट मत करना कि यहाँ पे कढ़ाई वगैरह मिलेगी, बट ये ऐसे वोक मिल जाता है। तो ये जो वोक है ये अराउंड 20 यूरो का है, तो ऐसे ये वोक मिल जाएगा। प्लस ये दूसरा पैन है, कोई अलग ब्रांड है, तो इनका भी सारा सामान मिल जाता है यहाँ पे। और इसकी प्राइस आप देख सकते हो, ये है 12 यूरो का। और ये जो बड़ा पैन है इसकी प्राइस है 25 यूरो ऑलमोस्ट। और ये जो पॉट्स मिलते हैं इनकी अगर प्राइस की बात करें तो ये जो रसल हॉब्स का है ब्रांड का, और ये छोटा पॉट मिल रहा है अराउंड 18 यूरो में, और ये थोड़ा जो बड़ा साइज में है ये है अराउंड 26 यूरो में। और वेस्टर्न कंट्रीज में तो मोस्टली सारा जो फूड है वो माइक्रोवेव में बनता है, तो यहाँ पे सारा माइक्रोवेव कुकवेयर भी है जो यहाँ पे आपको 5 से 10 यूरो में मिल जाएंगे। और यूजुअली आपको यहाँ पे स्टील की प्लेट्स, ग्लास, ये सारा सामान मिलेगा नहीं, बट यहाँ पे ऐसे पॉट्स मिलते हैं जो कि स्टील के हैं। अलग अलग प्राइस रेंज में है ये, 10 से 12 यूरो में, और अगर आपको सेट लेना होगा तो ये है समवेयर अराउंड 40 यूरोज में।
और यहाँ पे मिल जाती है आपको सारी बॉटल्स वगैरह और प्लस यहाँ पे प्लेट्स ग्लासेस ये सारी चीजें भी मिल जाती है। यहाँ पे दिखेंगे आपको कप्स मिल रहे हैं एक एक यूरो के, प्लस ये प्लेट्स है जो कि 2 यूरो में मिल जाते हैं। बाउल्स वगैरह भी बहुत सारे हैं यहाँ पे और ये 1 यूरो में कप्स है सारे इतने। और ये है सारा ग्लासवेयर सेक्शन, तो अलग अलग तरीके के ग्लासेस रीजनेबल प्राइस में 1-2 यूरो के अंदर भी आराम से मिल जाता है। और ये देखो यहाँ पे पॉपकॉर्न की मशीन भी मिल जाती है, तो जब भी पॉपकॉर्न खाने का मन है बस इस मशीन में डालो और पॉपकॉर्न रेडी। और ये मिल रही है 40 यूरो में। यहाँ पे ये देखो हैंड ब्लेंडर वगैरह में मिल जाता है जो कि 15 यूरो का है। ये सारे लोकल ब्रांड्स है बट रीजनेबल रेट में काम चलाने वाली चीजें भी मिल रही है यहाँ पे। और यहाँ पे एयर फ्रायर है ये भी मिल जाता है, प्लस यहाँ पे टेबल हीटर वगैरह भी अगर चाहिए होगा तो ये भी बड़े रीजनेबल प्राइस में है। एंड ये हैंड वैक्यूम क्लीनर है, ये फिल्टर कॉफी मेकर भी मिल जाता है जो कि अराउंड 30 यूरो का है। और जर्मनी में विंटर टाइम पे तो बहुत ठंड पड़ जाती है, जनरली घरों में यहाँ पे हीटर वगैरह होते हैं कि अगर किसी को हीटर लेना हो और रीजनेबल प्राइस में चाहिए तो यहाँ पे हीटर्स भी मिल जाते हैं जो कि अराउंड 16 यूरो में है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये वुलवर्थ ब्रांड का, इन्हीं के ब्रांड का यहाँ पे हीटर भी मिल जाता है और ये भी पोर्टेबल हीटर है, ये भी मिल रहा है 16 यूरो में। और वेस्टर्न कंट्रीज में आपको पता ही होगा बेकिंग का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये लोग अपने जो फेस्टिवल्स होते हैं जैसे क्रिसमस, ईस्टर या इनफैक्ट अपने खुद के बर्थडे के लिए भी बाहर से केक नहीं लाते, ये लोग खुद बेक करना पसंद करते हैं। और यहाँ पे बेकिंग का एक पूरा सेक्शन बना होता है जहाँ पे अलग अलग बेकिंग के यूटेंसिल्स, डेकोरेशन की चीजें, ये सारी आइटम्स बहुत मिल जाती है, वेराइटी है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो केक बेक करने के लिए जो ये है ये ऑलमोस्ट 4 यूरो का मिल रहा है। ऐसे यहाँ पे बहुत सारा वेराइटी का सामान है, इतनी सारी चीजें तो मुझे पता भी नहीं है। और आप सोच रहे होंगे ये क्या है, ऐसे बहुत जगहों पे आपको दिखेगा जर्मनी के स्टोर्स में। तो जनरली ये लोग बर्थडे के लिए खुद अपना केक बेक करके लेके जाते हैं, तो ये ऐसे बॉक्सेस होते हैं जिसके लिए ये अपना केक लेके जाने के लिए यूज करते हैं। और ये देखो ये है अंडे रखने का बॉक्स, तो ये 2 यूरो में मिल रहा है, इसमें आप एग्स रख सकते हैं। और यहाँ पे ऐसी चीजें भी मिल जाती है क्योंकि ये सारा मेजरमेंट से ये लोग केक वगैरह बेक करते हैं, तो ये ऐसे मिल रहा है जिसके अंदर ये मेजरमेंट्स दिए हुए हैं, तो बेकिंग के लिए तो ये बड़ा काम आ जाता है। और यहाँ पे ऐसी छोटी छोटी चीजें भी दिख जाती है, तो ये बेसिकली कप है बट ये माइक्रोवेवेबल है और इस पे लिखा है कि ये स्पेशली सूप गर्म करने के लिए यूज होता है। और मैं जब यहाँ पे नहीं आई थी तो मुझे तो समझ भी नहीं आता था कि ये छोटी छोटी चीजें जैसे होती है सेफ्टी पिन, सुई धागा वगैरह, ये सब कहाँ मिलती है। बट ये जो दुकान है जब मैं यहाँ पे आई तब मुझे मिल गई ये सारी चीजें और वो भी बड़े रीजनेबल रेट में। तो आप देखो यहाँ पे ये सुई धागा का सेट मिल रहा है जो कि 1 यूरो में है, ये इंच टेप है जो कि 1.49 1.5 यूरो का मिल रहा है, और ये सेफ्टी पिन वगैरह ये सारा सेक्शन भी है। और ये आप देख रहे हो ये है बेसिकली नीडल्स, वो वुलन के जो स्वेटर वगैरह बनाती थी ना दादी नानिया वगैरह, तो उनके लिए भी मतलब जिनको ये पसंद है, ये अलग अलग तरीके के यहाँ पे ये वुल वगैरह ये सारी चीजें मिल जाती है। एंड साथ में नीडल्स की भी बहुत सारी वेराइटी है। ये है सारा बेडिंग एंड पिलो सेक्शन, यहाँ पे बड़े ही रीजनेबल प्राइस में ये सारी चीजें भी मिल जाती है, छोटे ब्लैंकेट एंड पिलोज एंड ऑल। अबे मैं दिखाती हूँ आपको, आप सोच रहे होंगे ये क्या है, तो ये है जर्मन वर्जन ऑफ पिलोज। मैं जब नई आई थी मुझे तो बड़ा शॉकिंग लगा था कि यहाँ पे ऐसे स्क्वायर वाले पिलोज मिलते हैं और ये जर्मन लोग ये स्क्वायर वाले पिलोज पसंद करते हैं यूज करना। और ये अराउंड 12 या 25 यूरो के रेंज के बीच में आ जाते हैं, डिपेंड्स अलग अलग टाइप के, जैसे ये जो है ये 13 यूरो का है। और जर्मनी आने के बाद आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे आपको बेडशीट्स वगैरह नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पे गद्दे के ऊपर मतलब मैट्रेस के ऊपर कवर्स मिलते हैं जो कि ऐसे होते हैं, ये है मैट्रेस कवर्स। तो यहाँ पे जो मिल रहे हैं ये अराउंड 8 यूरो के हैं, 8 से 10 यूरो के हैं, प्लस कंपेरेटिवली यहाँ पे सस्ते वाले भी मिल जाते हैं बट उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। तो ये देखो ये 5 यूरो के ऐसे वाले मिल जाते हैं बट उसमें ये जो कॉटन की क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है, बट 5 से 10 यूरो में आपको बेडशीट के कवर भी मिल जाएंगे। और इस सेक्शन में मिलती है आपको सारी छोटी मोटी चीजें जो यूजुअली आपको वॉशरूम में यूज होती है, जैसे सोप डिस्पेंसर वगैरह ऐसी भी चीजें हैं। और जर्मनी के बाथरूम से मोस्टली बाथटब होते हैं, तो इसलिए बाथटब की यहाँ पे बाथ मैट भी आते हैं जो कि बाथटब में डलते हैं जो कि ऐसे दिखते हैं, तो ये बेसिकली एंटी स्लिप मैट होती है जो कि यहाँ पे 10 यूरो में मिल रही है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो टॉवल हैंग करने के लिए जो कील वगैरह होते हैं इसके भी बहुत सारे वैरायटी है, जैसे 1 यूरो से लेके 5 यूरो तक भी ऐसे उसके वैरायटी मिल जाते हैं। और यहाँ पे ये ऑटोमेटिक सोप डिस्पेंसर भी मिल जाता है जो कि यहाँ पे मिल रहा है 10 यूरो में। और इस सेक्शन में सारा सामान मिल रहा है जो आप घर की सफाई के लिए वगैरह यूज कर सकते हो। यहाँ पे ऐसे वाले झाड़ू मिलते हैं 1-2 यूरो में आ जाता है, बड़े झाड़ू वगैरह तो नहीं है बट ऐसा सारा सामान आपको इस स्टोर में 1-2 यूरो के रेंज में आराम से मिल जाएगा।
और ये बर्तन वगैरह वॉश करने के लिए जो यूज होता है ये भी यहाँ पे सामान आराम से मिल जाता है। जैसे ये मिल रहा है अराउंड 1-1.5 यूरो में, प्लस 2 यूरो में ये 10 पीस मिल रहे हैं ऐसे। तो ये सारा क्लीनिंग सेक्शन है जहाँ पे जो क्लीनिंग के लिए जो जो सामान लगता है 1-2 यूरो में आराम से ब्रशेस वगैरह ये सारी चीजें मिल जाएगी यहाँ पे। और ये है स्टोर का क्लोदिंग सेक्शन, यहाँ पे सारे तरीके के क्लोदिंग वेयर मिल जाते हैं, विंटर के भी कैप्स बेल्ट्स और ये सारा सामान मिल जाता है। आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्वालिटी कैसी है क्योंकि मैंने पर्सनली कभी ट्राई नहीं करी क्योंकि मुझे पर्सनली पसंद नहीं आई, बट देन अगेन इट्स अप टू यू। अगर आपको पसंद आती है और अगर आप ये लेना चाहते हो तो आप भी ये ले सकते हो सामान। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये है सारा लगेज सेक्शन, तो यहाँ पे केबिन बैग्स चेक इन बैग्स ये सारी मिल जाती है। तो ये जो बड़ी चेक इन बैग्स है ये ऑलमोस्ट 50 यूरो की है यहाँ पे, और जो छोटी चेक इन बैग्स है वो भी अराउंड 20 से 30 यूरो में मिल रही है। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन से तरीके की बैग है, तो ये बेसिकली है यहाँ के ग्रोसरी शॉपिंग के लिए बैग्स। तो मोस्टली लोग जब यहाँ पे ग्रोसरी शॉपिंग करने जाते हैं तो बहुत सारा सामान हाथ में बैग्स में उठाने के बजाय ये ऐसी ट्रॉली वाली बैग होती है जिसके अंदर ये सारा सामान डालते हैं और इसको व्हील्स लगे रहते हैं तो आराम से आप घर तक लेके जा सकते हैं। और ये है सारा टॉय सेक्शन, यहाँ पे इतनी ज्यादा वेराइटी के टॉयज है, मतलब लगा लो 1-2 यूरो से शुरू होकर 10-15 यूरो तक की यहाँ पे टॉयज मिलते हैं और बहुत सारे वेराइटीज है। इतने सारे वेराइटी तो मैंने अब तक पहले कभी के नहीं थे। बहुत सारे लोग ये भी प्रेफर करते हैं कि बच्चे वैसे भी जो टॉयज होते हैं वो जल्दी तोड़ देते हैं, तो इंस्टेड ऑफ बाइंग थोड़ा महंगे वैरायटी के टॉयज लेने के बजाय 5-10 यूरो के आराम से टॉयज मिल जाते हैं तो ये वाले ले लेते हैं। लाइटों के सेक्शन में तो यहाँ पे बहुत वैरायटी की लाइट्स मिलती है और वो रीजनेबल प्राइस में भी होती है, बहुत ही सस्ती भी मिल जाती है। एलईडी के दिए भी मिल जाते हैं जो कि 1 यूरो में आते हैं, ये आप देख सकते हो 1-1 यूरो के ये दिए मिल जाते हैं। प्लस ये छोटी लाइट्स है माइक्रो एलईडी लाइट्स जो कि अराउंड 2 यूरो में मिल जाती है। और ये है लंबे लड़ियों का सेक्शन, जैसे ये देखो ये 30 एलईडी का ये जो है ये पैकेट मिलता है 13 यूरो में, और छोटी वाली ही है जैसे ये 20 का सेट है ये मिल जाता है अराउंड 3 यूरो में। सबसे लंबी वाली यहाँ पे है 560 एलईडी लाइट्स का जो कि है 25.99, मतलब ऑलमोस्ट 26 यूरो में बहुत लंबी वाली लड़ी की लाइटें भी मिल जाएगी। और ये जो सेक्शन है यहाँ पे अलग अलग तरीके के छोटे से घर मिल रहे हैं डेकोरेशन वाले, स्पेशली जो क्रिसमस टाइम में यूज होते हैं, तो एक्चुअली इनके अंदर एलईडी लाइट लगती है। तो ये देखो ये 20 यूरो का पैकेट है, इसके अंदर जब एलईडी लाइट लगेगी तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। ये है सारा क्रिसमस ट्री डेकोरेशन सेक्शन, आप देख सकते हो ये जो पूरा दोनों तरफ से ये जो सेक्शन है यहाँ पे अलग अलग तरीके के गार्लैंड्स हैं। जैसे ये गार्लैंड जो है ये ऑलमोस्ट 2 यूरो की है और यहाँ पे बहुत ग्लिटरी कलर के गार्लैंड्स भी है, क्रिसमस ट्री पे ये लोग बहुत पसंद करते हैं सजाना। ऐसे पैकेट भी मिल जाते हैं जो कि क्रिसमस ट्री डेकोरेशन के लिए एक ही कलर में आप ले सकते हो, जैसे ये गोल्डन कलर का है, ऐसे सिल्वर रेड कलर ऐसे में सब में आता है, और ये सारी चीजें क्रिसमस ट्री पे लगाने के लिए होती है। और ये है सारे क्यूट से छोटे छोटे कैंडल्स मिल रहे हैं अलग अलग शेप में, ये देखो ये सारी कैंडल्स है जो कि 1-1.5 यूरो के रेंज में आती है। सारा होम डेकोर सेक्शन जहाँ पे आपको अलग अलग पेंटिंग्स फ्रेम्स ये बहुत सारा सामान मिल जाता है, ये देखो। जो भी इनके फेस्टिवल्स होते हैं इनमें बड़ा कॉमन है कि जब फेस्टिवल्स होते हैं तो आप एक दूसरे को ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह देते हो, तो यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह भी मिल जाते हैं जो कि 1 यूरो के अंदर आ जाते हैं। बेसिकली गिफ्ट वगैरह क्रिसमस के टाइम ये लोग बहुत ऑफन देते हैं लोगों को, तो उसके लिए ऐसे बॉक्सेस भी आ जाते हैं जिसमें ये बहुत अच्छे तरीके से सारा गिफ्ट अंदर रखते हैं और गिफ्ट रैप करते हैं। इसकी भी बहुत सारी चीजें ऐसे मिल जाती है। और ये है सारा पार्टी सेक्शन, तो यहाँ पे बलून्स डेकोरेटिव प्लेट्स और ये सारी जो चीजें होती है बहुत सारी मिलती है बड़ी ही रीजनेबल प्राइस में, आप ये देख सकते हो यहाँ पे। प्लस कैंडल्स एंड ऑल ये जो भी लगता है बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, बैचलरेट पार्टी सेलिब्रेशन के लिए, तो ये सारा सामान यहाँ पे बहुत मिल जाता है।
डेकोर सेक्शन भी है जहाँ पे आपको ये आर्टिफिशियल प्लांट्स वगैरह, कैंडल्स, ये सारा सामान मिल जाता है। प्लस यहाँ पे कुछ डेकोरेटिव पीसेस वगैरह भी मिल जाते हैं जो कि यहाँ पे आगे रखे हुए हैं। और ये है स्टोर का स्टेशनरी सेक्शन, तो यहाँ पे मिल जाती है सारी तरीके की पेन, पेंसिल, इरेजर, ये सारा सामान आप देख सकते हो। यहाँ पे अलग अलग ब्रांड्स का भी है, फैबर कैसल्स की भी यहाँ पे पेन पेंसिल वगैरह सारी चीजें हैं। सारे लाइटों का और इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों का सेक्शन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सटेंशन कॉर्ड वगैरह भी मिल जाती है जो कि 10 यूरो की है। तो लाइट्स की सारी चीजें, टॉर्च वगैरह ये मिल जाएगी आपको यहाँ पे। तो ये देख सकते हो यहाँ पे 4 यूरो में वगैरह छोटे टॉर्च, और ये बड़ा टॉर्च वगैरह 8 यूरो में मिल जाता है। तो वही अलग अलग चीजें हैं जो कि छोटी छोटी चीजें होती है, पता नहीं होती कहाँ से लेनी है, बट ये है यहाँ पे सारा मिल जाता है ये सामान। और अब मैं वुलवर्थ स्टोर के बाहर आ चुकी हूँ। 8 बज गए हैं और 8 बजे यहाँ पे सारी शॉप्स क्लोज हो जाती है, तो मैंने भी अपना सामान ले लिया है और आपको भी दिखा दिया है कि क्या क्या मिलता है वुलवर्थ स्टोर के अंदर। तो अगर आप जर्मनी में आते हो और आपको कोई भी सामान की जरूरत पड़ती है तो आपको पता है कि यहाँ पे इस स्टोर में क्या क्या मिलता है। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही हो और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, इसे और भी लोगों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना आपके चैनल फॉरेन की दुनिया पे। और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, आउ वीडरसेन।